गाइस, अभी हम आ गए हैं होटल एंड अभी हम जा रहे हैं बॉन फायर करने के लिए। वो तो बड़ा मजेदार होने वाला है। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे हो गया है यार, यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा हो गया है गर्म, तो यहाँ हो रहा है बॉन फायर। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। हाय बोल दीजिए, हाय बोल दीजिए। और हमारा यहाँ पे स्नैक्स लग चुका है, ये हमने ले लिया है प्लेट, ये ले लीजिए। अच्छा थैंक यू। पर क्या है फोटो खींचने के लिए? और ये क्या है? ये फ्रेंच फ्राई है, ये चिकन 65 है। ठीक है थैंक यू। हमारा स्नैक्स वगैरह हो गया, खाना मैंने आपको स्नैक्स में दिखाया था कि क्या क्या था। पनीर यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों अलग था एंड बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। एंड हम यहाँ पे सारी लेडीज बैठे हुए हैं एंड यहाँ पे हो रहा अंताक्षरी, जो कि बहुत मज़ा आ रहा है। और मेरे को नजर सब अंताक्षरी खेल रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा। सो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा स्नैक्स हो गया था ख़त्म, मतलब खाना वाना हो गया था। उसके बाद हम यहाँ पे अंताक्षरी खेल रहे थे, जो कि दो डिवाइडेड टीम थी, एक बॉयज़ की एक गर्ल्स की, और ऑब्वियसली गर्ल्स जीतती हैं। बट दोनों का कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा तगड़ा था भाई, लड़के भी आजकल कम नहीं थे, उनको भी बहुत अच्छी अच्छी गाने याद थी एंड वो लोग गाने गा भी रहे थे। एंड सारा गेम वगैरह हो गया, हम सारा गेम खेल लिए एंड करने वाला है डांस। चलिए हम भी चलते हैं डांस करने के लिए। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारा अंताक्षरी कंप्लीट हो गया था, उसके बाद सब हम लोग आ गए थे डांस करने के लिए। और ट्रस्ट मी गाइस, इस वीडियो का एक एक पार्ट इतना ज़्यादा मेमोरेबल और इतना ज़्यादा फनी है ना कि मुझे एक भी एक्चुअली वीडियो कट करने का मन ही नहीं किया। बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और आप लोग देखते नहीं हो, इसके वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो कट की एंड थोड़ा सा इसका स्पीड अप बढ़ा दी। और यहाँ पे हम डांस कर रहे थे, जो कि बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे हमारे जितने भी सर वगैरह था वो सब मिलके हम डांस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और आपको एक डांस तो अभी मिलेगा ही देखने को एंड ट्रस्ट में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आप अगर वो वीडियो देखोगे ना, आप हंसते हंसते मर जाओगे। वो क्लिप थोड़ी सी दूर है बट मैं वो डेफिनेटली डाली हूँ। और यहाँ पे हम सब मिलके डांस कर रहे थे, तो जैसे कि आप देख रहे थे। फिर यहाँ पे हम सिलेक्शन कर रहे थे अपने सॉन्ग्स की कि हमें कौन से सॉन्ग्स में अगेन हमें डांस करना है। और उसके बाद आती है इंडिया मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग। गाइज आप सभी को पता है कि मैं अभी कौन से सॉन्ग के बारे में बात करने वाली हूँ एंड वो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग है। आप खुद ही देख लो यार, खुद ही सुन लो कि मैं कौन से सॉन्ग की बात कर रही हूँ। यस, मैं लॉलीपॉप सॉन्ग के अलावा और किसकी बात करूँगी? और इसके अलावा तो यार हमारा ट्रिप जो है वो इनकम्प्लीट रहता, ये पूरे पार्टी जो हम करें वो इनकम्प्लीट होता। और इसमें हम और श्वेता इतना ज़्यादा डांस किए थे ना, इतना ज़्यादा डांस किए थे। पर हाँ चलो, ये अच्छा था कि मेरा वीडियो बनाने के लिए एग्जाम था, थैंक्स फॉर आसिफ, उन्होंने मेरा सारा ये मेमोरेबल चीज़ को और भी ज़्यादा इन्हेंस किया है, तो स्पेशल थैंक्स ऑफ आसिफ। एंड यहाँ पे हम और श्वेता जो ठुमके लगा रहे थे ना, ट्रस्ट में सबके सब सिर्फ देख रहे थे एक कोने में, क्योंकि हमारी वाइब एकदम मैच हो गई थी। और हम पूरे गाने में जो इन्जॉय किया है ना भाई, नेक्स्ट लेवल इन्जॉय किया। मुझे तो यार इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना कि मैं क्या करती, मैं सोची कि चलो थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर दूं या फिर मैं थोड़ा सा कट कर दूं, बट मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि मुझे कुछ भी कट करने का मन नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। तो यू प्लीज़ गाइज एडजस्ट। सो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ मुझे बताइएगा ये सारी चीज़ें। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे और मेरी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी बनी थी श्वेता के साथ, तो इसमें ना मैं वॉइस ओवर देती ही नहीं, बट मैं ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड की थी। और यार आप लोगों को तो पता ही है कि अगर कोई भी सॉन्ग आता है तो यूट्यूब में वो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मुझे वो ये वापस वीडियो जो है वो एडिट करके मैं रीअपलोड कर रही हूँ। एनीवे गाइस, बहुत ज़्यादा हम मस्ती किए थे और इन्जॉयमेंट तो आप पूछो ही मत, आप लोगों को ये वीडियो से पता चल रहा ही होगा। तो आप लोगों ने ऐसा कभी किया या नहीं, या फिर आप लोगों ने किसके साथ किया, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता।
तो हमारी भाई एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई लेवल थी ना, तो जो भी बंदे या फिर बंदी खड़ी थी ना, उनको भी डांस करने का मन कर रहा था। और जैसे ही आप देखोगे, हम जैसे ही डांस कर रहे थे ना, हमारे बीच में एक आशिफ आ गया था, सॉरी आकाश आ गया था, जो ये भी काफ़ी अच्छा हम लोगों के साथ मैच कर रहा था। और ये इनकी वाइब भी मतलब क्या ही बताओ, सब बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। और वो इन्जॉय मैंने इतना, वो मोमेंट मैंने इतना ज़्यादा इन्जॉय किया ना, कि अभी भी मैं लिटरली उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। वो एक रिमेंबर हो गया, आई थिंक ये मेरा लाइफ टाइम रिमेंबर हो गया, और इट्स ए गुड रिमेंबर सीरियसली। सो कैसा लगा आप लोगों को ऐसा वीडियो, सो प्लीज मुझे ये बताइए। फाइनली गाइज हमारा हो जाता है ख़त्म, उसके बाद आ जाती है बारी लड़कों की डांस करने की। और ये देखिए जिस जोश में हमारे सर डांस कर रहे हैं ना, ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी। मैं यही वाली क्लिप की बात कर रही थी जो मैं देख के अभी भी लिटरली अभी भी देखती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। उसके बाद यहाँ पे लड़कों का डांस जैसे ही ख़त्म हो जाता है, उसके बारी हमारी एक आती है, पता नहीं वो सॉन्ग उस सिचुएशन में कैसे ही जो मिल गया, और उस सिचुएशन में जो हमें वो सॉन्ग मिला ना, जितने भी ऑफिस बंदे होंगे ना, जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करे होंगे और जिनका टारगेट होगा, वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि वो किस चीज़ के बारे में हम कर रहे थे। अच्छा ये कोई रोस्ट वीडियो एक्चुअली नहीं कर रहे थे, बट उस टाइम में यार हमारा इतना ज़्यादा, आप खुद ये सुनोगे ना तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जब हमारा टारगेट कम्प्लीट नहीं होता, वो लोग ऐसे पैसे पैसे चलाते रहते हैं, जो भी हो, तो बहुत अच्छा हम इन्जॉय किए थे। तो अभी मैं वॉइस ओवर नहीं दूंगी, अभी आगे का आप खुद देखो। मैं इस पर ना वॉइस ओवर बिल्कुल भी नहीं दी थी, बट क्या ही करूँ। एनीवे गाइस ये जो वीडियो है ना, ये कसम से इतना ज़्यादा रिमेंबर वाले वीडियो है ना, मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे हम वो पैसा वाला पे कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि सब कैसे टारगेट चिल्लाते, और हम जो है एक दिन हमें मौका मिला था, वो हम छोड़े बिल्कुल भी नहीं। और फाइनली हम अपने मन की बात जो है वो हम बता दिए कि आप लोग ऐसा ही करते हो लिटरली हमारे साथ, ठीक है। तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें ना एक्चुअली हंसी आ रही थी। अब ऑब्वियसली बात है, किसी को भी हंसी आएगी, बट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सच थी, ये चीज़ वो भी मानते हैं, बट ये सारी चीज़ काफ़ी इंजॉय वाली थी। तो छोड़ो यार, अभी क्या ही इस चीज़ को इतना ज़्यादा खींचना, बट हाँ लिटरली हमने इंजॉय तो बहुत ज़्यादा किया। उसके बाद हम चले गए थे ये डिनर करने के लिए। सो फाइनली गाइज हमारा डांस वांस हो गया है ख़त्म, एंड हमारा अभी लग गया है डिनर, एंड हम अभी डिनर करेंगे। और आज पता नहीं डिनर में क्या है, देखेंगे आज डिनर में क्या है। यहाँ पे सारी महफिलें जमी हुई हैं। अच्छा मैं आपको एक सच बात बताऊँ, बता देती हूँ, मेरे को लाइफ में पता इससे ज़्यादा मज़ा ट्रिप में कभी नहीं आया होगा। ये मेरा लाइफ का आई थिंक फर्स्ट ट्रिप है जो मैं इतना ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। ट्रस्ट में ये मैं कोई ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ, मुझे सच्ची बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हमने क्या डांस किया भाई साहब, मैं जो डांस की थी ना, ये जो श्वेता है ना, श्वेता, हम दोनों का बीट कितना मस्त था वो लॉलीपॉप वाले पे। श्वेता ये है, हाँ श्वेता ये है अफजल जी, ये है हमारे राशिद जी, और ये है हमारे मोहित जी। जी भाई हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं। अच्छा हाँ, कल मैंने ब्लॉग एक्चुअली एंड नहीं किया था, तो आज वीडियो को एंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हमारा सेकेंड डे तो ऑलरेडी ख़त्म है, तो कल हम रिटर्न जा रहे हैं बैक टू होम। उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। सो बाय गाइस, ये हमारे आनंद सर हैं, सत श्री अकाल, केम छो, मजा मा, मजे में। और इनसे अगर मिलना होगा, ये बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, इनसे अगर मिलना होगा तो आप धनबाद में जाके मिल सकते हैं, पर एग्जैक्टली लोकेशन हम आपको नहीं बताएंगे। मेनू देखी की आज एकटू बोले दा, वेज प्लेट है दाल मखनी, वेज मंचूरियन, चिली चिकन, और जो सैलेड पनीर, काय पनीर, ओके अ तुम्हार नाम टा की एकटू बोले दा, की नाम बोले दा। ये अंकल बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, आप इनका होटल हम आपको बता देंगे। सो फाइनली गाइज हमारा हो गया था खाना पीना कंप्लीट, एंड मैं यहाँ पे ऑलरेडी सारा बैग वैग पैक कर ली हूँ। सब हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं जितने भी ग्रुप्स में थे, मतलब कुछ कुछ हैं यहाँ पे, हम लोग बात कर रहे हैं। एंड अभी पता है रात के 2 बज रहे हैं, मैंने बस अभी जस्ट अपना स्किन केयर कम्प्लीट किया, तो वीडियो का भी एंड करते हैं। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा हो, एंड अगर प्लीज़ मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, एंड ऑल्सो
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी। सो तब तक बाय गाइस, टेक केयर, लव यू एंड जय श्री राम। तो हमने मैं यहाँ पे गुड नाइट तो बोल दी थी, बट गुड नाइट कहाँ हुआ था यार। देखो लास्ट डे था तो थोड़ी तो पागलबंदी बनती है। बस हम यहाँ पे जितने भी रूममेट्स थे तो हमने डिसाइड किया था पूरी रात आज हम धमाल करने वाले, एंड जो जो उस टाइम ट्रेंडिंग में था वो सारी हरकतें हम करने वाले हैं। तो ये करने के बाद हम ना यहाँ पे भूल भुलैया का एक शूटिंग कर रहे थे, जो कि वो मेरी चाहते वाला जो सॉन्ग है उस पर कर रहे थे कि हम दोनों सोएंगे, मैं और प्रियंका सोएंगे, और अचानक से फिर लाइट ऑफ हो जाएगी, फिर हम देखेंगे तो कोई नहीं होगा, ऐसा कुछ शूट कर रहे थे। वैसे ये वीडियो तो 5 मिनट्स का था, बट इस वीडियो को क्रिएट करने में करीबन हमें आधे से 1 घंटे लग गए थे। तो आपको पता ही एक वीडियो के पीछे क्या मेहनत होती है, आप सभी को पता है। बस हम यही सारा थोड़ा चीज रिक्रिएट कर रहे थे, तो थोड़ा सा तो मैंने पे भी यहाँ पे थोड़ा ऐड कर दिया। एंड वो जो हम यहाँ पे बातें कर रहे थे ना, आप खुद ही देख लो क्या बातें यहाँ पे चल रही थी। तो बहुत ज्यादा कॉमेडी हो रही थी, बहुत अच्छा एक्टिंग करी थी एक्चुअली प्रियंका, बट मैं बीच में बहुत ज़्यादा डर भी गई थी। वो लोग इतने ज़्यादा भयानक लग रहे थे ना, मैं सच्ची डर गई थी। वैसे तो मैं मुझे यहाँ पे नाटक करना था, बट मैं सच में डर गई थी। एनीवे उसके बाद मैं सारा कुछ समझा रही थी कि ऐसे ऐसी सारी चीज़ें हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद ये बहुत अच्छे से हो भी गई थी, बट बीच में मुझे हंसी आ गई थी। उसके बाद फिर ये सारा फ्लॉप हो गया था, फिर हमने उस चीज़ को रीशूट किया था। तो बाकी आप सारा चीज़ देख लो, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज़। मोबाइल से हम लोग ऑन कर लेते हैं फ्लैश, ये वीडियो चलते रहेगा। मोबाइल का फ्लैश ऑन कर लीजिए, हम ऑन कर लिए है और उसमें चल भी रहा है। अरे वीडियो ऐड कर लीजिएगा। बंद कीजिए। चलिए ऑन कीजिए। ये सीरियस है, प्रियंका सीरियस है। इधर प्रॉपर एक्टिंग करनी है, जल्दी कीजिए। एक मिनट रोल में रहिए, रोल से बाहर नहीं। अरे नहीं, अब इसी में से वीडियो बनेगा। रुकिए, यहाँ से रहिए ना। अब इसको सब तो जैसे ही वो हमारा कंप्लीट होता है वो शूट, वैसे वो 5 मिनट का था बट हमें बनाने में करीबन 1 घंटा लगे, और ये सब करते करते रात के 3 बज गए। तो लास्ट डे था, सोता कौन है भाई, भाई सबको ही पता है ट्रेरिस पे वहाँ पे थे, और हम भी वहीं चले गए थे। और वहाँ पे जाने के बाद देखे थे यहाँ पे, पता ऑलरेडी हमारी मीटिंग चल रही थी जिस टाइम हम डिनर कर रहे थे, तो यहाँ पे वही डिस्कशन चल रहा था कि भाई हमने तो वो गाने पे रोस्ट कर दिया, अब हमारी जो है हमारी मतलब मैं क्या ही बताऊँ, आप समझ सकते हो कि मेरी सिचुएशन। उसके बाद हमारा टारगेट दिया गया कि चलो अगर हम टारगेट पर अचीव करते हो तो फिर हम नेक्स्ट ट्रिप पे जाएंगे। एनीवे मेरा यहाँ पे एंडिंग होता है ये ब्लॉग, और ये रात के 3:30 बजे का ये क्लिप था जो मैं यहाँ पे बना रही थी। तो चलिए बाय गाइज, लव यू, टेक केयर एंड जय श्री राम।